और लोकोमोटिव के साथ में कपल कर लेते हैं। कितना जल्दी ये 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक पहुंचाती है हमारे फ्रेट ट्रेन को जो कि हमको ओवरटेक कर रही है, ये देखिए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। और आज हमको WAG-12 के साथ में एक इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले WAG-12 को स्टार्ट करना है हम लोगों को, उसके लिए पेंटोग्राफ को ऊपर करते हैं। चलिए पेंटोग्राफ हमारा ऊपर हो चुका है। अब सर्किट ब्रेकर को क्लोज करते हैं जो कि ओ प्रेस करने से होता है। ये हमने सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर दिया है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और लोकोमोटिव हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ देर में लोकोमोटिव का जो साउंड है वो भी आपको सुनाई देने लगेगा। चलिए हेडलाइट्स को ऑन कर लेते हैं तब तक हम लोग। चलिए हेडलाइट्स भी ऑन हो चुका है हमारा, और अभी ये देखिए लोकोमोटिव का साउंड स्टार्ट हो चुका है। और अभी हमको यहाँ से डिकपल करना है क्योंकि इस फ्राइट को तो हमको रेस्क्यू करना नहीं है। ये फ्राइट ड्यूटी अभी करके हम लोग रुके हैं खंडवा जंक्शन पर अभी हम लोग हैं, तो यहाँ से पहले इसको डिकपल करते हैं। अब F4 को प्रेस करके ट्रैक मॉनिटर फॉलो करके हमको आगे बढ़ना है। चलिए हॉर्न बजा के अब डिपार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए अब धीरे धीरे यहाँ से डिपार्ट करते हैं, और यहाँ से हमारा डिकपल हो चुका है लोकोमोटिव। ये कोल वाली गुड्स ट्रेन है जो कि एम्प्टी है, मतलब आधा खाली है और आधा खाली होने वाला है खंडवा जंक्शन पर। और हमारा WAG-12 धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है हमारे ट्रैक मॉनिटर के साइड में। काफ़ी धीरे धीरे ही जाना है क्योंकि रिवर्सल पॉइंट तक हमको काफ़ी स्लोली स्लोली पहुँचाना है। और राइट साइड से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेन अराइव कर रही है खंडवा जंक्शन पे। कौन सा ट्रेन है एक बार देख लेते हैं, F7 प्रेस करके देख लेते हैं। इसमें ट्रेन का नेम तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है WAG-7 गाजियाबाद प्लस ICF एक्सप्रेस। मतलब ये ICF एक्सप्रेस है, ICF लिवरी के अवतार में एक ट्रेन है। पता नहीं कौन सा ट्रेन है जो कि अभी खंडवा जंक्शन पे अराइव कर रही है, और हम लोग काफ़ी स्लोली स्लोली हमारे रिवर्सल पॉइंट तक आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए P7 साइड फॉन्ट के साथ में ये ट्रेन है, और यहाँ पे गार्ड भी हमको ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हमारे लोकोमोटिव को रोक देते हैं। चलिए लोकोमोटिव को हमने रोक दिया है यहाँ पे, रिवर्सल पॉइंट तक हम पहुँच चुके हैं। और अभी हम लोग को बैकवर्ड्स के साइड में जाना है, और जो फेल्ड लोकोमोटिव है टैंकर वाली गुड्स ट्रेन को, उसको हमको रेस्क्यू करना है। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा एक WAG-9 के साथ में एक टैंकर वाली गुड्स ट्रेन खड़ी है, तो उसको हमको जाकर रेस्क्यू करना है। चलिए बैकवर्ड्स के साइड यानी पीछे के साइड में चलते हैं। चलिए रिवर्सल हमने चेंज कर लिया है, और अभी हॉर्न बजाकर यहाँ से डिपार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले रिवर्सल पॉइंट तक। यार आज इस लोकोमोटिव का साउंड काफ़ी मस्त वाला सुनाई दे रहा है। पता नहीं आप सबको कैसा लग रहा है, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं हेडफोन्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस गेम को खेलने के वक्त में, मेरे को एक बेस टाइप का कुछ सुनाई दे रहा है, एक काफ़ी भारी साउंड, काफ़ी भारी बेस टाइप का मुझे कुछ सुनाई दे रहा है इस लोकोमोटिव के अंदर से, जो कि मेरे खेलने के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा है। और गाइस ये WAG-12 BSAM के द्वारा बनाया गया है, तो वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाते हैं। आपको तो सामने WAG-12 ये नमूना देखकर पता चल ही रहा होगा कि कितना इंटरेस्टिंग मॉडल है ये। चलिए हम लोग ब्रेक सप्लाई कर देते हैं गाइस, और लोकोमोटिव के साथ में कपल कर लेते हैं। ये हो चुका है हमारा कपल, और अभी कुछ देर में हमको सामने के साइड में जाने का सिग्नल मिल जाएगा। वाह यार इतनी जल्दी सिग्नल मिल चुका है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको तो देख के पता चल ही रहा होगा कि ये जो WAG-9 है ये फेल हो चुकी है, और ये पेट्रोल वैगन्स इसमें लगे हुए हैं। पेट्रोल वैगन्स को हमको जो हमारा हॉल्ट है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ F10 प्रेस करके, डोंगरगांव तक हमको पहुँचाना है इस पेट्रोल वैगन्स को। ये एक इमरजेंसी ड्यूटी है, और यहाँ पे ये WAG-9 फेल हो चुका है, जिसके चलते हमको अब इसको रेस्क्यू करके आगे बढ़ाना पड़ रहा है। तो चलिए फिर अब डिपार्ट करते हैं स्टेशन से, हॉर्न बजा देते हैं एक बार। और वहाँ पे दूर में जाकर वो ट्रेन रुक चुकी है। आपको यहाँ पे नज़ारा देख के पता चल रहा होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि खंडवा जंक्शन का नज़ारा कैसा है। खंडवा जंक्शन भी आप लोग देख लो स्टेशन पर, कि यहाँ पे दो ट्रेन्स है, एक तो ट्रेन जो कि अभी अराइव की है, और वहाँ पे दूर में देखो एक और ट्रेन खड़ी है, पता नहीं वो कौन सा ट्रेन होगा। खंडवा जंक्शन पे और कुछ खास आपको दिखाने के लिए तो है नहीं, और यहाँ पे राइट साइड में एक WAG-9 के साथ में एक BCNA वाली गुड्स ट्रेन रुकी हुई है फ्राइट के लूप पे। और अभी हम लोग जल्दी से एक्सेलरेशन करते हैं। और आप लोग आज एक और चीज़ देखिएगा गाइस,
कि ये कितना बेहतरीन एक्सेलरेशन करेगी। आप वैग 9 तो वैसे फेल हो चुका है और ये वैग 9 से भी बहुत बेहतरीन लोकोमोटिव है हमारी वैग 12, वो तो यार आप सबको पता ही होगा। चलिए अब अभी आप लोग नमूना भी देखोगे इस गेम। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वैग 5 गाजियाबाद के साथ में एक LHB ट्रेन अराइव कर रही है। भाई यार दो दो ट्रेन अराइव कर रही है खंडवा पे। हम लोग अब इंक्रीज करते हैं थ्रॉटल को। वैग 5 लोकोमोटिव के साथ में यहाँ पे एक LHB ट्रेन अराइव कर रही है खंडवा जंक्शन पे। कुछ देर पहले एक ICF ट्रेन भी अराइव की थी और अभी अभी एक LHB ट्रेन अराइव कर रही है। और हमारे जो कोल वैगन जो कि पड़े हुए हैं वहाँ पे, ये अब धीरे धीरे इसको खाली कर लिया जाएगा। मतलब जो जो वैगन्स में कोल पड़े हुए हैं उनको भी खाली कर लिया जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाले वैगन्स खाली हैं और हमारा पेट्रोल वैगन्स यहाँ से जा रहा है। पीछे में देखिए गार्ड वाला कोच का नज़ारा, गार्ड वाले कोच के इंटीरियर व्यू कैसा होता है और वहाँ से कैसा लगता है जर्नी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ट्रेन को पकड़ लेते हैं। अब हम लोग एक्सेलरेशन करेंगे तो आप लोग गाइस देखिए हमारा स्पीड अभी 32 किलोमीटर है और हम लोग अभी एक्सेलरेशन कर रहे हैं। थ्रॉटल को हम लोग कर देते हैं 80% पे और अभी आप इसका स्पीड देखोगे। यार इस लोकोमोटिव का साउंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को इस लोकोमोटिव का साउंड को। चलिए देखते हैं यार कितना जल्दी ये 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक पहुंचाती है हमारे फ्रेट ट्रेन को। वैसे 100 किलोमीटर के ऊपर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। राइट साइड के ट्रैक का सिग्नल क्या है, राइट साइड के ट्रैक का सिग्नल येलो हो चुका है तो अब कोई ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है। वो देखिए सामने से आपको दिखाई दे रहा होगा कोई ट्रेन आ रही है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए वैग 5 गाजियाबाद के साथ में ICF एक्सप्रेस है ये। अच्छा साइड में P5 वाला फॉन्ट भी लगा हुआ है अगर आपने नोटिस किया होगा, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन क्रॉसिंग के साथ हमको क्रॉस कर रही है। और ऊपर में देखिए ऊपर में एक हॉपर स्टोन वाली गुड्स ट्रेन है, ये देखिए हॉपर स्टोन वाली गुड्स ट्रेन यहाँ पे इसको रोक के रखा गया है। वैसे इसका लोकोमोटिव क्या था यार, मैंने नोटिस नहीं कर पाया इसका लोकोमोटिव क्या था, आपको यहाँ से दिख रहा है क्या? मुझे तो वैग 7 लग रहा है, ब्लू कलर का वैग 7 मेरे को लग रहा है कि वैग 7 के साथ में शायद ये हॉपर स्टोन वाली गुड्स ट्रेन है जो कि हमारे ऊपर में रुकी हुई है। और चलो अभी हम लोग अंदर के व्यू में चलते हैं और स्पीड तो हमारा बहुत अच्छे से बढ़ ही रहा है। काफ़ी लंबी पेट्रोल वैगन्स वाली ट्रेन है हमारी और इसने जो है काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैग 12 ने बहुत ही जल्दी जल्दी इतने लंबे ट्रेन को ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में पहुंचा ही दिया है बस। और आज हम लोग खंदेश रूट को खेल रहे हैं। अगर आपको सीनरी वगैरह देख के पता चल रहा होगा कि ये खंदेश रूट है, इसमें काफ़ी ढेर सारा खूबसूरत टाइप का सीनरी वगैरह का इस्तेमाल किया गया है जिससे रूट काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है रूट। अभी मैं आपको पीछे के साइड में लेके चलता हूँ। ये हम लोग आ गए पीछे वाले साइड में और हमारे ट्रेन का ट्रैक साउंड आपको सुनाई दे ही रहा होगा। ये देखिए पीछे के साइड में कैसा लग रहा है हमारा पेट्रोल वैगन्स का मालगाड़ी कैसा लग रहा है देख लीजिए आप। अभी मैं आपको गार्ड वाले कोच का जो नज़ारा है ना वो भी दिखाऊंगा। चलिए अंदर चलते हैं फिर। अच्छा ये हम लोग आ चुके हैं सामने वाला जो हमारा गार्ड वाला वैगन था वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, यानी इसको कबूज भी कहते हैं। वो तो आप सबको शायद पता ही होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ इसको कबूज कहते हैं। और यहाँ पे देखिए गार्ड वाले कोच का इंटीरियर कैसा लग रहा है और स्पीड कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, हमको स्पीड को रिड्यूस करवाना पड़ेगा। 100 किलोमीटर तक हम लोगों को रहना है और सामने से एक और क्रॉसिंग होने वाली है WDG4 BCNHL गुड्स ट्रेन। WDG4 है गाइस देख लो। वाह यार ये क्रॉसिंग भी काफ़ी अच्छा लगा देखने को। BCNHL रेक के साथ में है ये WDG4। पीछे में गार्ड जम ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं। तो गाइस WDG4 के साथ में अगर आपको जर्नी देखना है तो वो भी आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, मैं बहुत जल्द उसको ले आने का कोशिश करूँगा। यार अभी तो सिग्नल राइट साइड में रेडी हो क्योंकि अभी भी एक ट्रेन गुजरा है यार। चलो हम लोग स्पीड को रिड्यूस करवा लेते हैं गाइस। और ये क्या है, ये क्या है गाइस, पता नहीं कोई स्टोर रूम टाइप का लग रहा है। ये देखिए वैप 7 CNB के साथ में ICF एक्सप्रेस। वाह यार ये भी हॉन्क मारते हुए क्रॉस कर रही है। ये देखिए यहाँ पे कुछ मैसेज आ गया है। अच्छा यहाँ पे गाइज हमको बगमर जो स्टेशन है, बगमर या बगमेर इसको जो भी बोलते हैं, ये जो स्टेशन है इनके स्टेशन मास्टर की तरफ से हमको ऑर्डर दिया गया है कि सामने वाला जो सिग्नल है वहाँ पे जाकर हमको रोकना है ट्रेन को क्योंकि वो सिग्नल फेल्ड है और हमको वहाँ पे जाकर रोक देना है ट्रेन को। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते जर्नी और स्पीड को घटाना पड़ेगा गाइज। पता नहीं कितना दूर में होगा सिग्नल, आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है क्या यहाँ से? मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइज। आप सिग्नल दिख रहा है गाइज? और जूम करते हैं और ब्रेक्स को भी रिलीज कर लेते हैं।
गाइस नहीं, अभी तो सिग्नल मेरे को कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। वो देखिए एकदम दूर में सिग्नल दिखाई दे रहा है, अब तो शायद आपको भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा दूर में देखेंगे तो आपको भी सिग्नल दिखाई दे रहा होगा। वो देखिए डबल येलो सिग्नल दिख रहा है, मतलब वो सिग्नल फेल्ड है, वहाँ पर रेड सिग्नल होना चाहिए था लेकिन डबल येलो सिग्नल दिखा रहा है। तो वहाँ पर जाकर हमको ट्रेन को रुकवा देना है गाइस। चलिए फिर वहाँ तक पहुँचते हैं और ट्रेन को रुकवा देते हैं, यहीं से स्पीड हम लोग रिड्यूस करवा लेते हैं। और गाइस वैक 12 का ब्रेक भी काफ़ी तगड़ा है, अच्छा रिस्पॉन्स करती है। और थोड़ा सा सामने जाकर हमको रोक देना है ट्रेन को। और गाइस सामने से कोई एक और ट्रेन भी आ रही है, मेरे को यहाँ से स्मोक नज़र आ रहा है, देखते हैं कौन सा ट्रेन है। फिलहाल तो सामने जाकर रोकते हैं ट्रेन को बस, और थोड़ा सा सामने जाकर रोक देंगे ट्रेन को। चलो अब यहाँ पे रोक देते गाइस ट्रेन को, ब्रेक सप्लाई कर देते हम लोग। रुक जा भाई। चलो अभी हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं। अब वहाँ पे उस मैसेज में मेंशन था कि आप लोगों को ट्रैक मॉनिटर पे देखना है, ट्रैक मॉनिटर पे जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिखे हमको यहाँ से आगे बढ़ना है। तो आप अगर ट्रैक मॉनिटर पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई सिग्नल दिखाई नहीं रहा है, मतलब सच में ये सिग्नल फेल है, जिसके चलते हमको यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे सिग्नल दिखेगा हम लोग तुरंत डिपार्ट करेंगे। और राइट साइड वाला जो ट्रेन है वो भी आप लोग देख लीजिए कौन सा ट्रेन आ रहा है। मुझे यहाँ से बहुत ही खतरनाक वाला स्मोक नज़र आ रहा है, पता नहीं कौन सा ट्रेन होगा वो, एक बार आने तो दीजिए। चलो हमको सिग्नल मिल चुका है यहाँ से, हम लोग अब यहाँ से डिपार्ट करते हैं। हॉर्न वगैरह बजाकर पहले ब्रेक्स रिलीज़ करते हैं। ब्रेक्स रिलीज़ हो चुका है और अभी हम लोग हॉर्न बजाकर डिपार्ट करते हैं। अरे पीछे के साइड में जा रही है ट्रेन, एक्सेलरेशन करते हैं। लगता है यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप का कुछ होगा जिसके चलते पीछे में हमारा ट्रेन खींचा चला जा रहा है। और अभी हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं, थ्रॉटल को कर देते हैं 60% पे। और यहाँ पे देखिए BTPN गुड सर्विस है ये ट्रेन। और यहाँ पे लोको पायलट हमको ग्रीन फ्लैग दिखाते दिखाते क्रॉस कर रहे हैं। वाह यार ये नज़ारा काफ़ी मस्त लग रहा है यार, BTPN सर्विस प्रोसेस BTPN ट्रेन। देखो यार ये नज़ारा कैसा लग रहा है बताना गाइस कमेंट्स में। और पीछे में गार्ड जी आपको दिखा रहे हैं क्या ग्रीन फ्लैग? नहीं नहीं भाई कोई गार्ड जी नहीं है ग्रीन फ्लैग दिखाने के लिए, लेकिन हमारे BTPN फ्रेट में गार्ड जी पीछे में हैं जो कि सबको ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं। तो चलो यार ट्रेन को पकड़ लेते हैं। और ये हम लोग वापस पे आ चुके हैं कबूज पे। और ये देखिए यहाँ पे भी गार्ड जी दिख रहे हैं, ये देखिए गार्ड जी कैसा लग रहा है। देखिए गार्ड जी ग्रीन फ्लैग दिखाते हुए कुछ इस तरह का 3D मॉडल बना के रखा गया है इस मॉडल पे, कबूज के मॉडल पे। और हम लोग काफ़ी तेज़ी से एक्सेलरेशन कर रहे हैं हमारे WG-12 के साथ में। ट्रैक साउंड काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं यहाँ पे। यार ये क्या है यार, बीच बीच में ऐसा कुछ एक छोटा रूम टाइप का बना हुआ है बीच बीच में, कोई कंट्रोल रूम होगा क्या? नहीं इतना छोटा कंट्रोल रूम कैसे हो सकता है, पता नहीं ये क्या होगा। और आसपास में तो बिल्कुल जंगल ही जंगल है, आपको देख के भी पता चल रहा होगा, बीच बीच में झाड़ियाँ हैं और दूर दूर में जंगल है, बिल्कुल जैसे रियल वर्ल्ड में होता है ना वैसा ही है। ये देखिए एक लेवल क्रॉसिंग है, वैसे बिल्कुल खाली लेवल क्रॉसिंग है, कुछ दिखाने के लिए है नहीं आपको। और राइट साइड में देखिए एक और ट्रेन का होने वाला है क्रॉसिंग, WAP-7 गाजियाबाद के साथ में मिक्स्ड ICF लीवरी की ट्रेन है। मिक्स्ड ICF मतलब, अच्छा एक और मैसेज आ गया। अरे यार फिर वही मैसेज, मतलब सामने वाला जो सिग्नल है वो वापस से फेल है, वहाँ पे फिर से जाकर हमको रोकना पड़ेगा। ये क्या यार, चलो रोकते हैं सामने जाकर। अच्छा मिक्स्ड लीवरी मतलब उत्कृष्ट और नॉर्मल जो ब्लू वाले ICF लीवरी है वो मिक्स किए हुए हैं। और ये गार्ड जी हमको ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं, सामने लोको पायलट जी ने भी ग्रीन फ्लैग दिखाया था हमको। तो गाइस रेडी हो जाओ, सामने फिर से जाकर हमको रोकना है। हम लोग ब्रेक्स यहीं से अप्लाई कर देते हैं और ज़्यादा स्पीड में हम लोग बढ़ाएंगे नहीं ट्रेन को। सिग्नल दिखाई दे रहा है गाइस आपको यहाँ से? हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। तो हमको रोकना पड़ेगा गाइस ट्रेन को। चलिए ब्रेक्स तो हमने बहुत ज़्यादा अप्लाई करके रखा है। और सामने इस येलो सिग्नल के पास में जाकर हमको रोक देना है ट्रेन को। और फिर से वही ट्रैक मॉनिटर पे अगर आप देखेंगे तो कोई सिग्नल नज़र ही नहीं आ रहा है, मतलब फिर से ये सिग्नल फेल्ड है। आज क्या हो गया यार, दो दो सिग्नल फेल्ड हो चुके हैं। चलिए गाइस अब यहाँ पे रोक देते हैं ट्रेन को। चलो
चलो फाइनली हमने हमारे वैक 12 के साथ में इस BTPN के गुड ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया है। वैक 9 तो फेल्ड ही है, आपको तो दिख ही रहा होगा, फेल्ड वैक 9 वाली लोकोमोटिव। और इसमें भी लोको पायलट का 3D मॉडल बना के रखा गया, आपको सामने दिख रहा होगा। और सामने हमको सिग्नल मिल चुका है आगे जाने के लिए, तो चलिए फिर डिपार्ट करते हैं। और वापस से हमारी ट्रेन पीछे के साइड में जा रही है। अरे यार, चलो तो अब डिपार्ट करते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो हमारी पैसेंजर ट्रेन नहीं है ना, पैसेंजर ट्रेन नहीं है, इसके चलते कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। कि आप लोग सोच रहे हो ये क्या कर रहे हो भाई, ये तो पैसेंजर ट्रेन है, आप तो रूल्स तोड़ रहे हो, आप तो ट्रेन की तरह ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपका ट्रेन पीछे जा रहा है और आपने कुछ किया ही नहीं। ये तो फ्रेट ट्रेन है तो इसमें उतना कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए वापस एक्सलेशन करते हैं। और ये WAP-7 गाजियाबाद के साथ में एक रेड LHB ट्रेन आ रही है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो डोंगरगांव का इस यहाँ से 13.8 किलोमीटर का पड़ेगा डोंगरगांव तक जाने के लिए। ये देखिए WAP-7 गाजियाबाद के साथ में एक रेड LHB ट्रेन आ रही है। हम लोग थ्रॉटल को 90% पे कर देते हैं गाइस। वाह, ये भी हॉंक मारते हुए काफ़ी बेहतरीन क्रॉसिंग आपको देखने को भी मिल रहा है। और सामने लोको पायलट जी ने हमको ग्रीन फ्लैग दिखाया था, आपने भी देखा होगा। और हमारे फ्राइट ट्रेन को हम लोग काफ़ी तेज़ी से एक्सलेशन करवा रहे हैं। ये लो, क्रॉसिंग हो चुका है समाप्त। और हमारे फ्राइट ट्रेन का जो पीछे वाला पोर्शन है वो भी आप लोग एक बार देख लो। ये देखो हमारे गार्ड जी ग्रीन फ्लैग दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए पकड़ लेते हैं फ्रेट ट्रेन को। और ये क्या है सामने, तो यार हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है। अरे यार, फिर से हमको स्पीड रिड्यूस करवाना पड़ेगा। सिग्नल पे देखो आपको पता चलेगा कि हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है। इतना स्पीड में रखते हैं गाइस क्योंकि इस रूट में ये सब ट्रैक चेंज करने का लिमिट शायद 40-45 किलोमीटर पर आवर का होगा, तो उतना कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है अगर हम लोग थोड़ा सा स्पीड में रखेंगे। तो चलो अब धीरे धीरे हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये कौन सा स्टेशन है वैसे? यहाँ पे हमको लूप किया जा रहा है, मतलब हमको सिग्नल रेड मिलेगा। बगमा स्टेशन में अब हम लोग एंटर कर चुके हैं। और गाइस जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पे हमको लूप लाइन पे डाला जा रहा है, इसका मतलब हमको यहाँ पे रोकना है ट्रेन को, मतलब सिग्नल हमको नहीं मिलेगा आगे जाने के लिए, मतलब कोई ओवरटेक होगा। सिंपल सी बात है कि कोई ओवरटेक होने वाला है। तो चलिए फिर हो जाइए तैयार फ्रेट ट्रेन का ओवरटेक देखने के लिए। पता नहीं कौन ओवरटेक करेगा हमको। सामने के साइड में चलते हैं गाइस हम लोग। बिल्कुल रेड सिग्नल के पहले जाकर हमको रोकना है ट्रेन को, यहीं पे रोक देते हैं। चलो फाइनली हमने हमारे ट्रेन को रोक दिया है स्टेशन पे। अब यहाँ पे देखना ये है कि भाई कौन सा ट्रेन है जो कि हमको ओवरटेक करेगी। और वैक 12 जो मॉडल है वो मैं आपको ज़रा ढंग से दिखा देता हूँ। तब तक यहाँ पे वैक 12 में मुझे सब कुछ अच्छा लगा, बस एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये जो बफर्स है, ये मतलब सामने जो बफर्स दिख रहे हैं ये मैच नहीं हो रहे हैं पुराने लोकोमोटिव के साथ में। ये वैक 12 का बफर्स मैच नहीं हो रहे हैं। रियल वर्ल्ड में भी क्या ऐसा ही है या फिर इस गेम में इस मॉडल में कोई दिक्कत है, ये आप लोग ज़रा मुझे कमेंट से बताना। और यहाँ पे देखिए रोडो गुड सर्विस का क्रॉसिंग होने जा रहा है, सामने आपको भी दिख रहा होगा। रोडो वाली गुड ट्रेन है, वैग 9 के साथ में आ रही है। रोडो मतलब वो ट्रक्स के साथ वाला फ्रेट ट्रेन ना। हाँ तो गाइस रोडो जो फ्रेट ट्रेन है ये वाला क्रॉसिंग कैसा लगा आप सभी को जरा मुझे कमेंट से बता देना। और गाइस काफी देर हो चुका है यार, हम लोग रुके हुए हैं, अभी तक तो कोई ट्रेन आई नहीं जो कि हमको ओवरटेक करने वाली है। नहीं यार, एक ट्रेन आ रही है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। वो देखिए एक ट्रेन आ रही है जो कि हमको ओवरटेक करने वाली है, यहाँ से दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए गाइस। ये देखिए ये कोई AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि हमको ओवरटेक कर रही है। ये देखिए तो गाइस ये WAP-7 के साथ में कोई AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जिसमें कि दुरंतों का लीवड़ी वगैरह लगा के रखा गया है। और ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमको ओवरटेक कर रही है। और अभी जो है हमको इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, तो देखते हैं हमको अब कब तक जाकर सिग्नल मिलता है। और राइट साइड से अगर आप देखेंगे तो एक और ट्रेन का क्रॉसिंग होने जा रहा है गाइस। F7 तो ऑन ही किया हुआ है ना? हाँ, F7 तो ऑन ही किया हुआ है। कौन सा ट्रेन है वो तो अभी पता चल ही जाएगा। तो गाइस जैसे हम लोग स्टेशन से डिपार्ट करेंगे हम लोग अब पीछे के साइड में चले जाएंगे, तो वहाँ से मैं आपको गार्ड वाला जो कबूस वाला जो वैगन है वहाँ पीछे के साइड से नज़ारा कैसा लगता है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है गाइस,
फिलहाल आप ये क्रॉसिंग देख लो। वाह, ये लोकोमोटिव में जो एयर हिसिंग वाला नॉइज आता है ना, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये कोई शताब्दी टाइप की ट्रेन है, टीकेडी वेब 7 के साथ में कोई शताब्दी टाइप की ट्रेन है, और ये हॉन्क मारते हुए तो आगे बढ़ी नहीं। चलो हम लोग डिपार्ट करते हैं, सिग्नल तो मिल चुका है हमको। अब हॉर्न वगैरह बजा कर हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं। ये हॉर्न काफी मस्त लग रहा है। ये हॉर्न कैसा लगा आप सभी को जरा कमेंट से बताना। अभी हम लोग धीरे धीरे डिपार्ट कर रहे हैं। थ्रॉटल को रखते हैं 70% के आसपास में, और अभी यहां से जो डोंगर गांव है वो 12.6 किलोमीटर का दूर है। तो गाइस चलिए मैं आपको पीछे के साइड से नजारा दिखा देता हूँ। ये आ गए हम लोग पीछे वाले हमारे गार्ड के कबूज में। ये देखो पीछे से गार्ड का कबूज कैसा लग रहा है, इसका नज़ारा आप लोग ज़रा देख लो यहाँ से। और हम लोग एक्सेलरेशन कर रहे हैं यहाँ से, आप लोग ज़रा सामने के साइड में देखिए, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है हमारा एक्सेलरेशन। और यहाँ पे तो कंटेनर वाली गुड्स ट्रेन खड़ी थी राइट साइड में, आपने तो पहले ही नोटिस किया होगा जब हम लोग स्टेशन पे एंटर कर रहे थे, उस वक्त में तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो गाइस वीडियो अगर आपको यहाँ तक पसंद आया होगा तो ज़रा लाइक ज़रूर से ठोक देना, और बगमर से अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो भी मुझे कमेंट से बताते जाना आप सब। और राइट साइड से अभी तो कोई ट्रेन आ नहीं रही है, और हम लोग काफ़ी तेज़ी से एक्सेलरेशन कर रहे हैं, और उस ट्रेन में तो गार्ड जी है ही नहीं कि हमको ग्रीन फ्लैग दिखाएंगे। और गाइस हम लोग 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास में आ चुके हैं, और यहाँ से आप लोग देखिए गाइस नज़ारा कैसा लग रहा है। 11.6 किलोमीटर बाकी है, और गाइस एक और क्रॉसिंग होने जा रहा है राइट साइड से, मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा। ABR WDM 3A के साथ में उत्कृष्ट ICF ट्रेन है, देख लीजिए। वाह, पूरी उत्कृष्ट के अवतार में ये ट्रेन है, और सामने में लोको पायलट ने भी हमको ग्रीन फ्लैग दिखाया था। और ये काफ़ी छोटी ट्रेन लग रही है, काफ़ी छोटी सी ट्रेन है ये। ये वाला नज़ारा यार मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पीछे के साइड से ये कबूज से नज़ारा, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप सबको कैसा लग रहा है बता देना गाइस कमेंट्स में कि आप सबको कैसा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ से भी नज़ारा देख लीजिए। तो गाइस आज का ये फ्रेट वाला एक्शन कैसा लगा आप सभी को ज़रा मुझे कमेंट से बताना। और गाइस अभी 10.5 किलोमीटर बाकी है डोंगर गांव तक पहुंचने के लिए, तो मैं सीधा मिलता हूं आपसे डोंगर गांव स्टेशन के आउटर पे। तो गाइस फाइनली हम लोग डोंगर गांव पे अराइव कर चुके हैं, और ये बीच में मैंने जो छोटा छोटा क्रॉसिंग आपको दिखाया वो सब आपको कैसा लगा वो जरा मुझे कमेंट से बता देना। और डोंगर गांव पे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो कोई LHB वाली ट्रेन खड़ी है, जिसका कि वेब 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है, और डोंगर गांव पे काफी स्लोली हम लोग एंटर कर रहे हैं। आपको भी सामने दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पीछे के साइड से भी दिखा देता हूँ। काफी स्लोली हम लोग एंटर कर रहे हैं डोंगर गांव पे, और अभी कुछ देर में हम लोग रुक जाएंगे डोंगर गांव पे। लूप लाइन पे एंटर कर रहे हैं, यहाँ से कोई और लोकोमोटिव आएगा आकर इस फेल्ड वैगन के साथ में टैंकर वाली गुड्स ट्रेन को यहाँ से उठाकर ले जाएगा। हमारा ड्यूटी तो गाइस फिलहाल यहीं तक था, हम लोग ब्रेक्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं रेड सिग्नल के बिल्कुल पहले जाकर हमको रोकना है ट्रेन को। चलो पीछे के साइड में भी देख लेते हैं। हाँ गाइस पीछे के साइड में तो एंटर हो ही चुका है, तो चलो फिर रोक देते हैं यहाँ पे ट्रेन को। चलो फाइनली हमने ट्रेन को यहाँ पे रुकवा दिया है। तो गाइस अब कमेंट्स में बताना कि वैग 12 वाला ये लोकोमोटिव कैसा लगा आप सभी को। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये लोकोमोटिव, खास करके इसके लोको साउंड, जिसके हॉर्न्स काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मज़ा आ गया आज ये खेल कर। तो गाइस आज का वीडियो वगैरह कैसा लगा वो भी बता देना गाइस आप सब लोग कमेंट्स में, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर से ठोक कर जाइएगा। और अगर हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है
को सब्सक्राइब भी करके जाना जरूर से, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी टाइप के ट्रेन्स के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है गाइस, अभी मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।